हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जीशान आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज मैं डाबा का त्रिकटू चूर्ण का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं। ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बनी हुई है। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट डाले गए हैं सब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। त्रिकटू के अंदर सोट है, पिपली है और काली मिर्च है। ये कफ रोग में बहुत ही गजब काम करती है। कफ के जैसे भी रोग हैं इसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट दिखा गया है। इस वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि किन किन रोगों में हम यूज़ कर सकते हैं, इसका प्राइस क्या है और इसके खाने का सही तरीका क्या है, कितना ग्राम हम इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, आपके हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। किसी भी रोग के बारे में, किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ भी सकते हैं। चलिए जानते हैं किन किन रोगों में ये उपयोगी है और कितनी मात्रा में हम इसका उपयोग कर सकते हैं और इसके प्राइस क्या है। ये कफ रोगों में बहुत गजब का रिजल्ट देखा गया है। चाहे आपको सर्दी हो, जुकाम हो, नज़ला हो, पुराना नज़ला हो, नया नज़ला हो, नाक बहती हो, छींक आती हो, नाक की एलर्जी हो और कैसी भी कफ के रोग हो, चाहे आपको सूखी खांसी हो, चाहे खांसते समय कफ निकल रहा हो और कितनी भी पुरानी खांसी हो, उसमें बहुत ही गजब का रिजल्ट देखा है। गले में खराश हो और किसी किसी खाना नहीं पचता, उसमें डाइजेशन को बहुत मजबूत करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपको खाने को पचाने में हेल्प करता है, इम्प्रूव आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया त्रिकटू चूर्ण का। और इसकी प्राइस की बात कर ले तो 105 रुपये की आती है। 100 ग्राम की इसकी पैकिंग है, 100 ग्राम इसके अंदर त्रिकटू चूर्ण है। और इसके खाने का सही तरीका क्या है, कितना ग्राम को यूज़ करें, 3 से 6 ग्राम हम शहद के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शहद को यूज़ नहीं कर सकते तो हल्का गुनगुना पानी से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बताई हुई आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और जानकारी अन्य लोगों से शेयर कर दें, जानकारी अन्य लोग तक पहुँच सके। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।